तार थोड़ी ना तार तार इधर आइए इधर आइए। आपका तो सर 4:45 में 4:45 में सर। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बढ़ती अपराध को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 20 डेलीगेट्स जो हैं वह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ और भी अन्य मुद्दों को लेकर जो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि जिस तरह से बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन सवाल के घेरे में है, ऐसे में जिस तरह से सासाराम में हुई घटना को लेकर बीजेपी लगातार विरोध जता रही है, अब देखने वाले विषय होगी कि राज्यपाल से मिलने के बाद में क्या कुछ आश्वासन के तौर पर मिलता है। बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकजुटता को लेकर एक मुहिम बना रहे हैं, ऐसे में एक मंच पर लाने की कोशिश भी पूरे देश के विपक्षी पार्टियों की है, लेकिन इसी बीच जिस तरह से लगातार विपक्ष में रहते हुए बीजेपी सरकार को घेराबंदी करने का काम कर रहा है, तो ऐसे में सरकार के लिए भी चुनौतियां जो है वह बढ़ती जा रही है। बिहार में बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है जिस तरह से दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन जो घटनाएं घट रही है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये बड़ा जो है एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से नीतीश कुमार सुशासन की दावा करते हैं लेकिन पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं, चाहे वह शराबबंदी हो या फिर अपराध हो, कई मुद्दों को लेकर आज बीजेपी के द्वारा जो है एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपने गया है। अब क्या बातें होती है, क्या आगे कुछ तय किया जाता है, ये तो आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं, नवल किशोर यादव हैं, यानी कि तमाम बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल जो हैं वह राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। लगभग 20 डेलीगेट्स जो हैं वह मिलने पहुंचे हैं। नंद किशोर यादव हैं, जनक चमार हैं, कई प्रेम कुमार हैं जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, तो तमाम लोग जो है राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और बिहार में जो कुछ भी आए दिन घटनाएं घट रही है उन सब चीज़ों से जो है वह अवगत कराएंगे। हालांकि क्या कुछ बातें होती हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन खासतौर से जो सासाराम में हुए घटना को लेकर बीजेपी लगातार विरोध जता रही है, बीजेपी के द्वारा धरना भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया है, उसे जो है लगातार छोड़ने की मांग बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन देखने वाली विषय होगी कि आए दिन भी जो सरकार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दावे किए जाते हैं, आखिरकार फिर भी इन सब दावे क्यों विफल हो रही है बिहार में। इस कर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद। सर आदेश 4 आदमी का हुआ, आदेश पहले सर खड़ा लेना चाहिए, जितना आदमी आएंगे। आपका तो सर 4:45 में 4:45 में सर आप गाड़ी पीछे कीजिए ना। अरे गाड़ियों धक्का लगे थे, कितना करे जाए इधर हटिए, इधर हटिए ना गाड़ी, इधर काटिए ड्राइवर साहब, इधर काटिए। देख लीजिए यहाँ गाड़ी कितना है, बस कीजिए आदेश। थोड़ा सा नहीं मिला है। आदेश करा लेते हैं, जब 25 आदमी जाएंगे 30 आदमी जाएंगे, हम लोगों को भेजने में क्या लगा था। खाली लगाइए ना, मेरी गाड़ी हम जनक की है। 14 आदमी हो गया, 14 आदमी हो गया, इनका नाम भी नहीं है, निकाल दीजिए, उतरने दीजिए।
दुकान वो खत्म के साथ है।